राम राम मित्रों, आप सभी को फिर से वेलकम बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको राइड कराने वाले हैं और मेला दिखाने वाले तीन ठाउं का, जिसमें से फर्स्ट है मनवा सिसवा मनवा नगर पालिका का मनवा का ये दुर्गा पूजा, और इसके बाद हम शमसी ले जाएंगे और उसके बाद हम राम गोपालपुर। तो ये देखिए मनवा सिसवा का मेला, ये मनवा का मेला है। और ये देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माता रानी को आप सभी को दर्शन कराने के लिए। और ये देखिए दशमी में मैं दशमी के दिन मेला देखने के लिए आए थे और तीनों ठाव हम गए थे। और ये देखिए ये मनवा का दुर्गा माता का मूर्ति है, और ये पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बंद है क्योंकि पीछे है ना कॉपीराइट वाला म्यूजिक चला था, इसलिए मैंने है ना कॉपीराइट म्यूजिक ना आए इसलिए मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ से इसके बाद हम शमसी चलेंगे और यहाँ का देख लीजिए पूरा नज़ारा। और यहाँ का नज़ारा इतना ही था। और ये देखिए मैं बाहर निकलूँगा और गेट का दिखाऊँगा। और ये देखिए गेट का पंडाल का जो माता रानी का पहले शमसी जाए से पहले। और देखिए हमारे गांव घर में मेला ना हो, अब मेला में नाच गान ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर नाच मनवा से मैं राइड कर कर बाइक से मैं आ चुका हूँ शमसी, और यहाँ से हम चलेंगे पंडाल की ओर और जा रहे हैं। और रास्ता पर देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, और यहाँ से मैं पैदल जा रहा हूँ। आप लोग धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ पैदल और पंडाल की ओर, और पहले मैं पंडाल दिखाऊंगा पंडाल का डेकोरेशन, उसके बाद अंदर मैं एंट्री करूंगा मंदिर के अंदर। और ये देखिए और मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए पंडाल कितना अच्छा लग रहा है। पिछले साल भी ऐसा ही पंडाल लगा था शमसी में, और इस साल भी ऐसा ही सिंपल सा पंडाल है, पर बट लुक एकदम अच्छा लगा है। पिक्चर और वीडियो में एकदम अच्छा लगता है ऐसा पंडाल, मेरे मानने से ये पंडाल अच्छा सजाया गया था और इसका लुक भी अच्छा मुझको लगा। और मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ मंदिर के अंदर, और ये देखिए यहाँ पर मैंने चप्पल रख दिया और भीतर की तरफ मैं जा रहा हूँ सीढ़ी से। और यहाँ पर सीढ़ी से मैं जा रहा हूँ, और देखिए कितना पब्लिक लोग आए हैं माता का दर्शन करने। अब ये देखिए भीड़ लगी हुई है यहाँ पर देखिए, और सब लोग पूजा कर रहे हैं। जय माता दी सभी को। और ये देखिए शमसी का दुर्गा माता का मूर्ति और मूर्ति बना है, और सभी लोग पूजा आराधना करते हुए और पान प्रसादी ले रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना वीडियो और फोटो खिंचा रहे हैं। और मैं देखिए सेल्फी कैमरा से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए भीड़ भी है, और ये देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए दुर्गा माता का मूर्ति। और यहाँ से चलेंगे हम राम गोपालपुर के लिए, और ये अपना लास्ट होगा राम गोपालपुर का मेला। शमसी से राइड करते हुए अब हम चलेंगे राम गोपालपुर की ओर, और ये देखिए शमसी का लास्ट सीन है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। लास्ट दिन में दशमी के रात में सब तरफ घूमा था, और सभी तीन ठाव में घूम पाए, वो था मनवा शमसी और अंतिम में राम गोपालपुर गया था बाइक से मैं मेला देखने के लिए। और हम यहाँ से जाएंगे राम गोपालपुर, और देखिए फाइनली हम आ चुके हैं राम गोपालपुर। और ये देखिए टेंट लगा है राम गोपालपुर दुर्गा मंदिर का पंडाल, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मैं भीतर अंदर की तरफ एंट्री कर रहा हूँ मंदिर के अंदर, और ये देखिए कितना पब्लिक लोग, सबसे ज़्यादा पब्लिक लोग मेरे नज़र में तीन ठाव में यहीं पर ज़्यादा था। और यहाँ पर देखिए खास करके युवा लोग दसवीं के रात में भी मेला देखने आए थे, और मैं भी वहाँ पर पहुँच गए हैं।
यहाँ पर पब्लिक लोग ज्यादा होने का कारण ये बीच में पड़ता है रामगोपालपुर, और चारों ओर से गांव-गांव पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भीड़ होने का मुख्य कारण यहाँ पर बीच में एक ही ठाव में मेला लगता है और दूर दूर से भक्त जन आते हैं मेला देखने के लिए। और ये देखिए फाइनली हम आ चुके हैं माता रानी के द्वार पे, और सारे लोग बोलिए जय माता दी। तो दोस्तों ये देखिए माता रानी का मूर्ति और ये राम गोपालपुर का मूर्ति है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। और यहाँ से लास्ट मूर्ति, और ये देखिए क्राउड, कितना क्राउड है पब्लिक लोग का राम गोपालपुर में। और देखिए यहाँ से रोड तक पब्लिक लोग जमा हुआ है, और ये देखिए लाइव में टीका लगा रहा हूँ, और ये देखिए भाई जी ने मुझे टीका लगा दिया, और मैं सेल्फी कैमरा से आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ का नज़ारा। और देखिए सभी लोग अपना अपना फोटो वीडियो कर रहे हैं। यहाँ का पंडाल का डेकोरेशन मेरे हिसाब से लगभग ठीक ही था, और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। वहाँ पर ब्लॉगिंग करने के लिए हल्का अफ्तियार होता है, क्योंकि लोकल एरिया है, वहाँ पर कुछ हंगामा भी हो सकता है, इसीलिए मैं वहाँ पर वीडियो करने टाइम में साउंड नहीं देता हूँ अपना। और ये लोकल एरिया है, बवाल भी हो सकता है, झगड़ा मार कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं साउंड है ना बाद में रखता हूँ। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और नए नए वीडियो ब्लॉग देखने के लिए ऐसा ही हमारे साथ जुड़िएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उन्हें फॉलो कर लीजिए अभी के अभी, और ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट आपको आता रहेगा बार बार, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब घर पे बैठे अच्छे होंगे, और यही मेरा दुआ है कि आप लोग सुख समृद्धि रहे हरदम और हमेशा। और ये लास्ट में मैं गेट से निकल कर जा रहा हूँ, तो ये देखिए लास्ट सीन है राम गोपालपुर का, अब यहाँ से हम घर जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसा ही हमको प्यार कीजिएगा, और अपने साथी फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ से बाइक चलाकर मैं घर जाऊँगा, और समय हो गया था 8:30-9 के बीच में हो गया था, तो यहाँ से हम घर जाएंगे।